एक मई और बीजेपी गई, आम जनता की जान खतरे में डाल दी। साइंटिस्ट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न केवल हार्ट और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। महात्मा गांधी कह गए हैं कि ना गलत सुनो ना गलत कहो। तो ये कौन से लोग हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं? एक मई और बीजेपी गई, जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि, और न केवल आज बात आई है, बीच बीच में एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा और अब कोर्ट कह रहा है। तो जो आपदा में ये जो निकाल ढूंढते थे कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए, आपने देखा वैक्सीन जैसी कंपनी से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूल लिया। सोचो उन पे क्या गुजरती होगी जिन पे वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट है। 80% ऐसी आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगी है और सरकार ने लगवाई। तो आज जिन लोगों ने लगवाई उन पे भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आम जनता की जान खतरे में डाल दी। साइंटिस्ट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न केवल हार्ट और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसको कौन जवाब देगा? ये तो आचार संहिता से बड़ा उल्लंघन किया बीजेपी ने। ये तो हमारे और आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष गठबंधन आईसीयू में है और इनको जनता ऑक्सीजन नहीं देगी। इनकी बातें मत सुनो, इनकी बातें न सुनो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह गए हैं कि ना गलत सुनो ना गलत कहो। तो ये कौन से लोग हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं? भाई वोट का है, आप नौकरी दे नहीं सकते। आज एक मई है, आज दुनिया में लेबर डे मनाया जा रहा है। उन्हें सोचना चाहिए कि जिन नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। अगर भारत में 83% बेरोजगार हैं और किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, पेपर लीक किया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में जाएगी। और मई शुरू हो गई, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है, जाना तय है। अंग्रेजी किस तरीके से आज लोग शिवपाल सिंह यादव ने मंच से भाजपा को जिताने की अपील की है? क्या आज शिवपाल सिंह चर्चा ने मंच से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपील की है? ए तुम सुन नहीं पाए, ए सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा भाजपा को पहले ज्यादा हरा दो। अगले अयोध्या में लोकसभा में रैली करने जा रहे हैं, दो मंत्रियों की टोली उतारना पड़ रहा है। न केवल मैनपुरी में टोली उतार रहे हैं, बल्कि बताइए आप फरक्काबाद में तो केस कर रहे हो। यहाँ के डीएम अधिकारी लगे हुए हैं बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए, फोन कर रहे हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से। क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर मैनपुरी जिले के जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार वोट लूटा था, याद कीजिए मैनपुरी का चुनाव नगरपालिका का, उसमें यही जिलाधिकारी यही अधिकारियों ने वोट लूटा था। अब चुनाव आयोग क्या सो रहा है क्या? अरे भाई रोड शो से थोड़ी होता है। आपने अपने 10 साल में कोई जनता को तो कुछ शो किया होता? आपने जनता को क्या शो किया? गरीबी बेरोजगारी महंगाई दे दी। इंडिया गठबंधन बनेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, नौजवानों के नौकरी का रास्ता खुलेगा।